सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो हमारा क्लास फोर के लिए है। सब्जेक्ट है मॉरल साइंस। सो कल के वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था ग्रैंडपास फार्म। तो हम लोगों ने देखा था दो बच्चे थे जिनका नाम था जॉन एंड जेनी। वो लोग के समर वेकेशन स्टार्ट हो गए थे, वो लोग के एग्जाम्स है वो जो ओवर हो चुके थे, वो लोग काफी खुश थे। फिर उन लोगों ने प्लान बनाते हैं कि हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएंगे, वहां खेतों में बहुत मजा आएगा। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखा था लेट अस सीक परमिशन ऑफ डैरन मॉम से जॉन। फिर जॉन अपनी बहन से कहते हैं कि चलो अपने माता पिता जी की परमिशन ले लेते हैं। दैट इवनिंग उस शाम को व्हेन फादर एंड मदर केम बैक फ्रॉम द ऑफिस, दे वर सिटिंग टुगेदर इन द ड्रॉइंग रूम। उस शाम जिस दिन वो लोग बात कर रहे थे कि वो लोग को ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना है, उसी शाम जब उसके माताजी और पिताजी ऑफिस से आते हैं, वो लोग ड्राइंग रूम में, देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोग दोनों सब लोग चारों साथ में बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में। जेनी टोल्ड देयर प्लान टू देयर फादर, ही इंस्टेंटली एग्रीड टू इट। फिर जेनी ने अपना जो भी प्लान बनाया था उन लोगों ने कि उनको ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना है, तो वो उसके माता पिता भी इस बात के लिए जल्द ही मान गए, उन्होंने कोई ना नकर नहीं की। नेक्स्ट मॉर्निंग दे वर बोथ लेफ्ट देयर ग्रैंड पेरेंट्स फार्म। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो दोनों को उनके दादा और दादी के घर छोड़ दिया गया। दे रीच्ड देयर इन इवनिंग, वो लोग शाम में पहुंचे वहां। ग्रैंड फादर वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिज कॉटेज, जो उसके दादाजी थे वो अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। ही वॉज हैप्पी टू सी देम बोथ, वो लोग उन दोनों को देख के काफी खुश होते हैं। Hearing their voice, उन लोगों की आवाज सुनते हैं। Grandma come running out of the house and embraced him. फिर उनकी जो दादी जी हैं वो घर से बाहर आती हैं और काफी उन लोग को दुलारती हैं। The driver kept their luggage in the house and went back to the town. फिर जो driver था जिसने उन दोनों को वहां छोड़ के गया था, वो means उन लोगों के luggage को वहां रखता है फिर वापस शहर आ जाता है। On morning, John picked a sling slot टू प्ले अ गार्डन। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि जॉन को एक स्लिंग स्लॉट का मतलब होता है गुलेल, मीन्स आप लोग खेलते हो गए, मीन्स रबड़ का बना हुआ होता है, उससे कुछ भी चीज आप मारो तो काफी जोर से उससे चोट लगता है। तो वो स्लिंग स्लॉट खेल रहा था गार्डन में। ही वेंट टू द मैंगो ग्रोव नियर बाय। फिर वो आम के पेड़ पे उस स्लिंग स्लॉट से मार रहा था, वो आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ही ट्राइड हार्ड बट कुडंट हिट एनी सिंगल मैंगो। फिर उसने बहुत ट्राई किया मैं आम को तोड़ने का, लेकिन वो आम नहीं तोड़ पाता है। गेटिंग डिस्करेज्ड, वो काफी उदास हो जाता है। ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक टुवर्ड्स होम फॉर लंच। फिर वो वापस जाने लगता है लंच के लिए, क्योंकि दोपहर का टाइम था। वो दोबारा अपनी दादी जी के पास जाने लगता है। एज ही वॉज वॉकिंग बैक ही सॉ ग्रैंडमास पेट डॉग। फिर जैसे ही वो घर को आने लगता है तब उस देखता है कि उसकी उनकी दादी का जो एक पालतू डक था वो उसे देखता है वहां पे। जस्ट आउट ऑफ इम्पल्स ही गेट द स्लिंग स्लॉट फ्लाइट विच हिट द डक एंड द हेड डक इन द हेड एंड इट वॉज किल्ड। देखिये वो मीन्स वो ऐसा कुछ चाह नहीं रहा था वो जॉन, लेकिन गलती से उससे जो गुलेल थी उसकी वो एक बार छूट गई और वो सीधे जाके उस डक के सर पे लगी और वो डक मर जाता है। ही वॉज शॉर्ट एंड ग्रिव्ड, और वो बहुत जल्दी मीन्स पूरा जस्ट लाइक देख रहे हैं यहाँ पे कि उसने शॉर्ट मारा और ये बहुत जल्दी मूर्छित हो जाता है, मीन्स बहुत ज्यादा वो जल्दी बेहोश हो जाता है। इन पैनिक ही डिड द हेड डक इन अ पाइल ऑफ वुड। और फिर वो जब वो जॉन देखता है कि वो डक मर गया है तब वो उसे यहाँ पे लकड़ी का बहुत सारा ढेर है उसमें वो छुपा के वो चला जाता है। सो इस वीडियो में यहाँ तक देखते हैं, मैं यहाँ पे टिक लगा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरा कंक्लूड कर लेंगे। सो टिल देन थैंक यू।